गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रीशियन प्रथम वर्ष और सेकंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए इल्यूमिनेशन चैप्टर का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय से पहले 8 वीडियो क्लासेस आपके लिए अपलोड की जा चुकी है, जिसमें प्रदीपन अध्याय अर्थात इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको बताई गई थी, जैसे कि ल्यूमिनस फ्लक्स के बारे में बताया गया था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में बताया गया था और इल्यूमिनेशन के बारे में बताया गया था। इस अध्याय के लिए मुख्य रूप से ये तीन परिभाषा आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी आपको आगे का चैप्टर क्लियर होगा, आगे की जो परिभाषाएं आएंगी वो क्लियर होंगी। इस अध्याय के लिए आपको मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इल्यूमिनेशन कम से कम ये तीन के बारे में तो जानना आवश्यक है। उसके बाद इल्यूमिनेशन होता क्या है कि प्रकाश के कारण, प्रकाश स्रोत के कारण जो प्रकाश मिलता है उसी को इल्यूमिनेशन कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत का जो पावर होता है उसको कैंडल पावर कहते हैं। तो एक चीज़ और एक्स्ट्रा आपको बता देनी होगी कि कैंडल पावर क्या होता है। तो प्रकाश स्रोत का जो पावर होता है उसी को हम कैंडल पावर कहते हैं। अब हम देखेंगे, इससे पहले के अध्याय में हमने इल्यूमिनेशन चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं बहुत ही आसान भाषा में आपको सिखाई। उसके बाद हमने आपको जो विभिन्न प्रकार के प्रकाश स्रोत थे उनके बारे में चर्चा किया। अब इन विभिन्न प्रकाश के प्रकाश स्रोतों की व्यवस्था कैसे होती है इसके बारे में चर्चा किया गया, और ये कल के वीडियो क्लास में बताया गया कि विभिन्न प्रकाश स्रोतों की व्यवस्था किस प्रकार होती है। तो आपको बताया गया था कि एक तो होती है डायरेक्ट लाइटिंग, जिसमें आपका जो प्रकाश है वो सीधे सीधे पहुँचता है। एक आपको डायरेक्ट लाइटिंग बताया गया। डायरेक्ट लाइटिंग की परिभाषा हमने आपको ये बताई कि जो महत्वपूर्ण चीज़, देखिए किसी भी परिभाषा के लिए आप उसका अगर पूरी परिभाषा याद नहीं कर सकते हैं तो एक जो इम्पॉर्टेंट परिभाषा होती है वो तो बिल्कुल याद आना चाहिए। तो डायरेक्ट लाइटिंग का मतलब ये है कि जब प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश वस्तु पर सीधे सीधे पड़े उसको हम डायरेक्ट लाइटिंग अर्थात प्रत्यक्ष लाइटिंग कहते हैं, या प्रत्यक्ष प्रकाश की व्यवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार की जो लाइटिंग की व्यवस्था होती है उसमें 90% से ज़्यादा जो लाइट है वो वस्तु पर सीधे पड़ती है, और नाम से ही स्पष्ट है कि ज़्यादातर लाइट जो है वस्तु पर पड़ना चाहिए। तो एक तो आपको डायरेक्ट लाइटिंग बताया गया, फिर आपको बताया गया सेमी डायरेक्ट लाइटिंग, मतलब कि ये क्या था, अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश। इसमें आपको ये बताया गया, तो जैसे हमने आपको अभी बताया कि किसी भी परिभाषा को समझने के लिए उसके आप मेन पॉइंट को पकड़िए और उसी को दिमाग में फिट करिए, जिससे कि आप उसको जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सेमी डायरेक्ट लाइटिंग को अगर आप मतलब को समझेंगे तो सेमी का मतलब होता है अर्ध और डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष। तो अगर इसी शब्द को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था में आधा ही लाइट वस्तु पे पड़ना चाहिए या आधा से ज़्यादा। और इसकी परिभाषा में हमने आपको लिखाया था कि सेमी डायरेक्ट लाइटिंग में जो प्रकाश है वो 60-90% के बीच में सीधे वस्तु पर पड़े तो इस प्रकार की जो लाइटिंग की व्यवस्था होती है या जो प्रकाश की व्यवस्था होती है उसको हम सेमी डायरेक्ट लाइटिंग बोलते हैं।
इसके बाद हमने आपको सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग के बारे में बताया। सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग का मतलब ये अप्रत्यक्ष प्रकाश होगा जिसमें से 60-90% लाइट जो है सीधे वस्तु पर न पड़े, ऊपर की तरफ चली जाए। तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या बोलते हैं? सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग। जब 60-90% लाइट वस्तु पे नहीं पड़ेगी, इसका मतलब कि लगभग जो है कुछ ही प्रकाश सीधे वस्तु पर पड़ेगा, तो इसको हम बोलते हैं सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग। उसके बाद हमने पढ़ा इनडायरेक्ट लाइटिंग। तो इनडायरेक्ट लाइटिंग का मतलब ही होता है कि अप्रत्यक्ष प्रकाश, अर्थात जो प्रकाश है वो सीधे वस्तु पे पड़ना ही नहीं चाहिए। तो इसमें जो है 90% प्रकाश जो है रिफ्लेक्टर के माध्यम से ऊपर की तरफ कर दिया जाता है, जिससे होता क्या है कि 10% ही प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश है वो 10% ही केवल वस्तु पर पड़ता है। तो इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट लाइटिंग। और आपको ये भी बताया गया कि ये जो प्रकाश की व्यवस्था होती है कहाँ पे की जाती है और इसका महत्व क्यों होता है, क्यों वहीं पे की जाती है। तो ये अधिकतर जो है सिनेमा घरों में और होटलों आदि में सुंदरता के लिए उपयोग में लाई जाती है। अब सिनेमा घर को अगर आप सोचेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रकाश की व्यवस्था की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सिनेमा घर का अगर आप संदर्भ देखें तो उसमें केवल और केवल आपको जो है स्क्रीन दिखाई देना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश स्क्रीन का आपको जो है दिखाई दे और कहीं से स्क्रीन पे चमकना आए। तो इससे जो है इस प्रकार के जो लाइटिंग की व्यवस्था होती है सिनेमा घर और होटलों में की जाती है। होटलों में भी आप देखेंगे तो सीधे सीधे प्रकाश जो है फर्श पे ज़्यादा नहीं पड़ता है, रिफ्लेक्टर के माध्यम से 90% प्रकाश ऊपर की तरफ कर दिया जाता है। इसके बाद हमने बताया सामान्य लाइटिंग, जनरल लाइटिंग। इसमें क्या था कि आपका 50% लाइट ही सीधे सीधे वस्तु पर पड़े। अब जब हमने विभिन्न प्रकार के लाइट के जो अरेंजमेंट को देख लिया तो अब हम क्या पढ़ेंगे, जो विभिन्न प्रकार के लाइट हैं उनके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज के अध्याय में, आज के वीडियो क्लास में जो हम लाइट का प्रकार पढ़ने वाले हैं, इसमें हम सोडियम वेपर लैम्प की बनावट और कार्यशैली के बारे में देखेंगे। तो देखिए ये तो संरचना है, इसमें आपको जैसे जैसे बताया जाता है वैसे वैसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि इस बल्ब के अंदर सोडियम के दाने जो क्रिस्टल के आकार के होते हैं, सोडियम अगर आपने एक्सपेरिमेंट में कभी देखा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि किस प्रकार का होता है। तो इस बल्ब के अंदर सोडियम के दाने और थोड़ी मात्रा में इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का मतलब होता है अक्रिय गैस जो कि फिलामेंट के साथ कोई रिएक्शन न करे। इनर्ट गैस जैसे कि नियान गैस भरी होती है, इसलिए इसे सोडियम वेपर लैम्प कहते हैं। इस बल्ब में यू आकार की दो स्पेशल कांच की हवा रहित ट्यूब होती है। आपको शब्दों को ध्यान देना होगा कि इस, जैसे मैंने बोला कि इस बल्ब में यू आकार की दो स्पेशल कांच की हवा रहित ट्यूब, हवा रहित का मतलब उसमें हवा नहीं होना चाहिए, तो दो स्पेशल कांच की हवा रहित ट्यूब होती है। अंदर वाली ट्यूब के दोनों किनारों पर टंगस्टन फिलामेंट तथा सोडियम के दाने और नियान गैस होती है। बहुत ही आसान सी संरचना है जैसे बताया जा रहा है, और ऐसे आप एक दो बार जो है अपने दिमाग में इसको रखेंगे तो सोडियम वेपर लैम्प के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसको ध्यान दीजिएगा कि इस बल्ब के अंदर सोडियम के दाने और थोड़ी मात्रा में इनर्ट गैस अर्थात नियॉन गैस भरी होती है, इसलिए इसे सोडियम वेपर लैम्प कहते हैं। इस बल्ब में यू आकार की दो स्पेशल कांच की हवा रहित ट्यूब होती है। अंदर वाली ट्यूब के दोनों फिलामेंट, दोनों किनारों पर टंगस्टन का फिलामेंट तथा सोडियम के दाने और नियॉन गैस होती है, तथा दोनों ट्यूब के बीच में से हवा को निकाल दिया जाता है ताकि लैंप को वातावरण के प्रभाव से सुरक्षित रखा जा सके।
तो ये सोडियम वेपर लैम्प की बनावट के बारे में था कि सोडियम वेपर लैम्प की बनावट में क्या क्या होता है। तो आपको बताया गया कि इसमें जो है सोडियम के दाने डाल दिए जाते हैं और इनर्ट गैस थोड़ी मात्रा में जो कि नियॉन होती है वो भर दी जाती है, इसलिए इसे सोडियम वेपर लैम्प कहते हैं। और इस बल्ब में यू आकार के दो स्पेशल कांच की हवा रही ट्यूब होती है। अंदर वाली ट्यूब के दोनों किनारों पर टंगस्टन का फिलामेंट तथा सोडियम के दाने और नियॉन गैस होती है। दोनों ट्यूब के बीच से हवा को निकाल दिया जाता है ताकि लैम्प को वातावरण के प्रभाव से सुरक्षित रखा जा सके। अब सोडियम वेपर लैम्प का जो कार्य का सिद्धांत होता है उसको आप देखिए। इस लैम्प को कार्य करने के लिए एक शुरू में अधिक वोल्टेज लगभग 380 से 450 वोल्ट और बाद में 110 वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो मेन पॉइंट आपको ये ध्यान देना चाहिए कि इस लैम्प को कार्य करने का जो सिद्धांत है उसमें आपको जो मुख्य बात याद रखनी है कि इस लैम्प को शुरू में अधिक वोल्टेज जो आपको रेटिंग बताई जा रही है 380 से 400 वोल्ट 450 वोल्ट, तो शुरू में आपको इतना वोल्टेज का ख्याल रखना होगा कि इस लैम्प को कार्य करने के लिए शुरू में 380 से 450 वोल्ट और बाद में 110 वोल्ट की ज़रूरत होती है, जिसे सर्किट में स्पेशल टाइप का ट्रांसफार्मर जो उच्च वोल्टेज रिएक्टेंस या लीकेज ट्रांसफार्मर द्वारा प्राप्त की जाती है, जिसका काम बिना लोड पर अधिक वोल्टेज तथा लोड पड़ने पर कम वोल्टेज प्रदान करता है। यह लैम्प एक डिस्चार्ज टाइप का लैम्प है, इसलिए गैस के डिस्चार्ज होने पर गुलाबी रंग और फिर सोडियम दानों का वाष्पीकरण होने पर पीली गुलाबी लाइट देता है। तो ये रहा इसका जो है बनावट डायग्राम। देखिए, जैसा कि आपको परिभाषा में बताया गया कि ये जो हाई लीकेज रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर है तो ये काम क्या करता है कि जब लोड नहीं है तो इसका काम ये होता है कि जब लोड नहीं है तो हाई वोल्टेज और जब लोड होता है तो कम वोल्टेज जो है प्रोवाइड कराता है। और ये आपका जो है फिलामेंट है और इसमें आप देख रहे हैं कि सोडियम के क्रिस्टल के दाने भरे हैं और ये यू आकार की जो है कांच की नली है। तो दो यू आकार की आपको कांच की नली देख रही, एक बाहर वाली एक अंदर वाली, और इसको हवा रहित बना दिया जाता है। इसमें ये फिलामेंट लगा हुआ है और यहाँ पे जो है आपको सोडियम के क्रिस्टल और नियॉन गैस भरी हुई है और ये इस बल्ब का कैप होता है और ये इवैक्यूएटेड ट्यूब का मतलब होता है कि हवा रहित है। अब इसको यूज़ करने के लिए प्रयोग करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को नोट करना आवश्यक है। इस बल्ब को हमेशा समतल स्थिति में प्रयोग किया जा सकता है। यह केवल एसी पर ही काम करता है। दो बातें आपको जो है स्पष्ट हो गई कि इस बल्ब को हमेशा समतल स्थिति में प्रयोग किया जा सकता है, यह केवल एसी पर काम कर सकता है। बल्ब को पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए लगभग 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। तीसरी बात, तो ये जो नोट है ये आपको बहुत ही ध्यान से समझना है और अपने दिमाग में फिट करना है कि इस बल्ब को हमेशा समतल स्थिति में प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी बात, यह केवल एसी पर काम करता है अर्थात डीसी पर काम नहीं करता है। तीसरी बात, बल्ब को पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए लगभग 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। और फिर चौथी बात यह है कि 60, 80, 125 और 250 वाट की रेटिंग में क्षमता में ये बल्ब उपलब्ध होते हैं और यह बल्ब जो है अधिकतर सड़कों पर और समुद्री तट पर रोशनी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपने ये देखा कि कार्य करने के सिद्धांत में हमने बताया कि इस लैंप को कार्य करने के लिए शुरू में अधिक वोल्टेज
और शुरू में अधिक वोल्टेज और लगभग कितना 380 से 450 वोल्ट और बाद में 110 वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो ये काम कौन करता है? हाई रिएक्टेंस लीकेज ट्रांसफार्मर। जैसा कि आपको परिभाषा में बताया गया, जो कार्य करने का सिद्धांत है कि इस बल्ब को कार्य करने के लिए शुरू में अधिक वोल्टेज अर्थात जब लोड नहीं है तो इसको अधिक वोल्टेज चाहिए और जब लोड है तो कम वोल्टेज चाहिए। तो ये काम जो है हाई लीकेज रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर करता है। तो यहाँ पे सोडियम वेपर लैंप की बनावट और कार्य शैली के बारे में आपको बताया जा चुका है और इसका डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए कि ये फेज और न्यूट्रल से सप्लाई दी जाती है और ये आपका जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ट्रांसफार्मर यही काम करता है कि जैसे इसका जो कार्य करने का सिद्धांत है वो यही है कि इसको शुरू में अधिक वोल्टेज 380 से 450 वोल्टेज के बीच में चाहिए होता है और जब ये काम करने लगता है तो लगभग जो है 110 वोल्ट ही इसको दिया जाता है। तो ये हाई लीकेज रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर के द्वारा ये टास्क हो जाता है कंप्लीट कि शुरू में अधिक वोल्टेज मिलता है और बाद में कम वोल्टेज। और इसमें आपको दो यू आकार की कांच की नली, जैसे कि आपको बनावट में बताया गया था, तो दो यू आकार की कांच की नली होती है। एक जो यू आकार की कांच की नली है इसमें फिलामेंट लगा होता है और फिलामेंट में जो है क्या भर दिया जाता है, सोडियम क्रिस्टल के दाने और नियॉन गैस। तो थोड़ा सा नोट जो है एक बार और ध्यान दे दीजिए कि इस बल्ब को हमेशा समतल स्थिति में उपयोग किया जाता है। यह केवल एसी पर ही काम करता है। बल्ब को पूर्ण रूप से काम करने के लिए लगभग 5 से 10 मिनट लग जाते हैं और यह 60, 80, 125 और 250 वाट आदि में उपलब्ध है। यह अधिकतर सड़कों और समुद्री तट पर रोशनी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे आपको जो है अन्य प्रकार के जो प्रकाश की व्यवस्थाएं हैं या जो लाइट के प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।